Hello, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I'm Varun Agarwal and this is your channel, Mantra of the Biology. हमने लास्ट लेक्चर में माइटोटिस डिवीजन को खत्म किया था ओके हमने जहाँ पे डिफरेंट फेजेस के बारे में स्टडी किया था प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज हमने स्टडी की थी मेटाफेज की अपनी करेक्टरिस्टिक्स थी एनाफेज टेलोफेज सब की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी देखिए इन फेजेस को आप क्लियर कट लाइन से डिफाइन नहीं कर सकते इन सबकी अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये मेटाफेज है ये एनाफेज है ये टेलोफेज है ओके सो एंड आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा कैरियोकाइनेसिस ओवर हो गया था अब हम साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे मतलब साइटोप्लाज्मा का डिवीजन ओके सो आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे साइटोकाइनेसिस सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इंट्रोडक्शन ऑफ मियोसिस एंड फेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व इन द डिवीजन इन द मियोसिस डिवीजन ओके नाउ लिसन एंड वी हैव स्टडीड द कैरियोकाइनेसिस इन कैरियोकाइनेसिस हमने देखा था कि जो आपके क्रोमेटिड्स डुप्लीकेट होते हैं एस फेज में ओके वही एनाफेज में वही क्रोमेटिड फ्यूचर न्यूक्लाई के लिए क्रोमोसोम बन जाते हैं और अपने अपने पोल अपने अपने सिरे तक पहुंच जाते हैं अपने अपने शीर्ष तक पहुंच जाते हैं फर्दर टेलोफेज में हमने देखा था कि जब वो सारे क्रोमोसोम अपने अपने एरिया में पहुंच जाते हैं देन उसके चारों तरफ एक नई न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन होता है और एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है ओके और साथ में डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है क्रोमेटिड अपना जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है वो खो देते हैं और क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं ओके यहाँ तक के बाद में अब आपका स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस ओवर कैरियोकाइनेसिस इस मींस जहां पे आपके क्रोमोसोमल डिवीजन ओवर हो गया अब उसके बाद में क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल डिवीजन ओवर होने के बाद में अब होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन ओके सो वी विल स्टडी अबाउट द साइटोकाइनेसिस टुडे ओके सो साइटोकाइनेसिस में साइटोकाइनेसिस ओके साइटो इट मींस साइटो प्लस काइनेसिस ओके Kinesis it means division, okay, and the cyto it means cytoplasm, okay. So that's the cytoplasm, cytoplasm and the division, okay. आज हम उसका division पढ़ेंगे. देखिए दो types के cyto kinesis होता है. एक plant में होता है, एक animal में होता है, okay. So basically in plant or in animal. हम प्लांट में बात करें तो प्लांट में आपका जो साइटोकाइनेसिस होता है प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस है वो होता है आपका सेपरेट मेथड के थ्रू सेपरेट मेथड के थ्रू और आपका जो एनिमल में होता है वो होता है सेल फरो मेथड के थ्रू ये दो टाइप के साइट ये दो टाइप के होते हैं आपके ओके okay, एक प्लांट में होते हैं और एक एनिमल में होते हैं यानी प्लांट में आपके ये प्लांट में है और ये एनिमल में है ओके okay, अब इन दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एनिमल के लिए कि एनिमल में कैसे एग्जैक्टली आपका डिवीजन होता है ओके सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल्फरो मेथड मतलब सेल्फरो मेथड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका स्टार्ट करते हैं ओके इन एनिमल सेल मतलब हमारी सेल्स के बारे में ओके ये आपकी टेलोफेज है जिसमें आपके दो डिफरेंट पोल्स बन चुके हैं यहाँ पे आपके ओके यहाँ पे आपके क्रोमोसोम आ चुके हैं और बैटर आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्रोमेटिड्स बन चुके हैं मतलब बैटर समझाने का मतलब ये क्रोमेटिड आ चुके हैं क्रोमोसोम पे अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी ओवर कर चुके होते हैं अब फरो बनता है ये दिख रहा है ये जो एरिया है इसके बीच में फरो बनता है फरो मतलब खांचा बनता है इनके बीच में जो कि डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और ये जो फरो का जो फॉर्मेशन होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर की तरफ स्टार्ट होता है और धीरे 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 इतना जैसे कि ये बनता है और धीरे 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 इतना डीप हो जाता है कि आपकी जो सेल्स होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ठीक है ये जो दिख रहा है ये इतना ज्यादा डीप होता जाता है कि आपकी सेल्स दो पार्ट में आपकी डिवाइड हो जाती है फर्स्ट एंड सेकेंड सेल्स दैट्स अ सेल फरो मेथड ओके जिस फरो बन गया मतलब खांचा बन गया
ओके वैसे तो सेल फरो की जो कह सकते हो कि जो स्टार्टिंग होती है वो एनाफेज में हो जाती है बिकॉज पहले से एक मिड बॉडी इसमें बन जाती है जो कि फर्दर साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करती है. तो साइटोकाइनेसिस की शुरुआत तो कैरियोकाइनेसिस में हो चुकी होती है बट परफॉर्म यहाँ पे होती है. ओके सो ये एग्जैक्टली देखिए फ्रॉम कहां से हो रहा है, ये फ्रॉम हो रहा है पेरिफेरी टू द सेंटर. तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ डिविजन. ओके इसको बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ डिविजन, राइट. ये हो गया आपका सिंपल सा मेथड है, सेल फरो मेथड हो गया आपका. ओके मैं यहां पे लिख देता हूं सेल फरो, फरो मतलब बीच में खांचा बन गया. ओके अब आपका आता है दूसरा टाइप. ओके अब आपका आता है दूसरा टाइप जो कि होता है आपका प्लांट सेल्स के अंदर. ओके ओके प्लांट सेल के अंदर होता है जिसमें होता है सेल प्लेट मेथड के थ्रू. सेल प्लेट मेथड देखिए इसमें क्या होता है बेटा, सिंपल सा, इसमें ज्यादा इसमें क्या होता है एग्जैक्टली प्लांट सेल्स के अंदर, प्लांट सेल के अंदर बेसिकली सेल वॉल होती है, मिडिल लैमेला होती है. तो मिडिल लैमेला का बनना जरूरी होता है क्योंकि मिडिल लैमेला ही हम देखेंगे सबसे आउटर लेयर होती है, दो सेल को कनेक्ट करती है. तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वे में होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल प्लेट क्या होती है देखिए, जैसे मान के चलिए सेम आपकी ये दो सेल्स बन गए. ओके अब दो सेल्स बन गए मान के चलिए, यहाँ पे आपके क्रोमेटिड आ गए. अब इसमें सेल प्लेट्स बनती है. अब ये जो सेल प्लेट बनती है ये सेल प्लेट यहां पे बनती है. ओके और धीरे 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 ये जो सेल प्लेट बनती है ये धीरे 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 टुवर्ड्स द पेरिफेरी आती है. ओके ये एक सेल प्लेट बनती है और एक सेल प्लेट बनती है मिडिल में जो कि टुवर्ड्स द पेरिफेरी आती है. ओके इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल प्लेट डिवीजन, सेंट्रीफ्यूगल मेथड ऑफ डिव्यूजन. सेंट्रीफ्यूगल वो था सेंट्रीपिटल, ये है सेंट्रीफ्यूगल. ओके ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ डिविजन. ओके अब नाउ लिसन, ये आपका जो यहां पे सेल प्लेट बनता है. ओके सेल प्लेट बेसिकली प्रीकर्सर होती है, सेल प्लेट बेसिकली प्रीकर्सर होती है मिडिल लैमेला की. मतलब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे कि अगर मान के चलिए कि देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड होना है, फॉर एन एग्जाम्पल अब ये पार्ट दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये होगा क्या दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक सेल ये दूसरी सेल ये. तो इसके चारों तरफ देखेंगे तो इसके चारों तरफ एक सेल वॉल होती है, इसके चारों तरफ सेल वॉल होती है. तो मतलब यहाँ पे सेल वॉल बनना जरूरी है, मतलब ये सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे उनका आना जरूरी है जिससे कि वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए और सेल वॉल इनके चारों तरफ बन जाए. क्योंकि यहाँ पे तो देखिए सिर्फ साइटोप्लाज्म था, ठीक है, तो सेल वॉल को भी दो पार्ट में, सेल वॉल का बनना भी यहाँ जरूरी होता है. तो हम देखेंगे सेल वॉल और मिडिल लैमेला के लिए, मिडिल लैमेला के लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए. सेलुलोज चाहिए, हेमीसेलुलोज चाहिए, अरबिनोज चाहिए, पैक्टिन चाहिए, ओके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टिन चाहिए जो कि मिडिल लैमेला का बना होता है, ठीक है, अब ग्लूकोरोनिक एसिड जो कि मिडिल लैमेला जो पैक्टिन है उसका मोनोमर है, ये सब चाहिए. तो मतलब ये सब पहले चाहिए फिर जाके आगे कुछ आगे काम होगा. तो होता क्या है बेसिकली गोल्गी बॉडीज ये सब बनाता है और गोल्गी बॉडी से आपको सिंपल एक मैं डिवाइस को नॉट कर देता हूं फिर आपको एक नॉर्मली समझाता हूं, ठीक है. अब देखिए रिक्वायरमेंट है गोल्गी बॉडीज की, तो गोल्गी बॉडीज क्या करता है, गोल्गी बॉडीज ये सब बनाता है इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स. ओके जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं. ओके ये जो वेसाइकल्स के अंदर आपका सारा फूड भरा हुआ होता है. अब ये वेसाइकल्स को कैरी कौन करेगा भैया, वेसाइकल्स तो गोल्गी बॉडीज से बना दी, अब इनको कहां लेके जाएंगे, जहां पे डिवीजन चल रहा होता है, जहां पे सेल प्लेट बननी होती है वहां पे इनको लेके जाया जाता है. और कौन लेके जाएगा इनको, माइक्रोट्यूब्यूल्स लेके जाएंगे. और कहां पे रखेंगे, तो प्लेन एंड द प्लेस दैट इज डिसाइडेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स. ओके प्लेन एंड द प्लेस फर्दर, प्लेन एंड प्लेस ऑफ डिवीजन decided by m-
microtubules. So plane and place of division that is decided by the microtubules. So microtubules decide करते हैं कि भैया कहाँ पे हम सारी vesicles को लेके जाएंगे. तो उसके बाद में क्या होता है, देखिए मैं पूरा इलाज कर देता हूँ. अब उसके बाद में क्या होता है कि ये जो plane and place है vesicles होते हैं, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ. तो ये सारे vesicles मान के चलिए कि आपकी ये cell थी आपकी, okay, cell थी. अब उसमें होता है क्या है, ये सारे के सारे वेसाइकल्स को इन्होंने गोल्गी बॉडीज में जो बनाया, उस गोल्गी बॉडीज बनाने के बाद में माइक्रोट्यूब्यूल्स ने इनको इन बिटवीन इनको ट्रांसफर कर दिया, मतलब इनको प्लेस कर दिया. प्लेस करने के बाद में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट. फिर क्या होता है कि ये कहां पे रखना है, ये माइक्रोट्यूब्यूल डिसाइड किया, बनाया उसको, आपको जो बनाया उसको किसने बनाया, वो बनाया गोल्गी बॉडीज ने. अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इनमें फ्यूजन हो जाएगा और आपस में फ्यूजन की वजह से ये आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे. और मिल जाने के बाद में ये सारे मिल, अभी सारे आपस में मिल जाते हैं और मिल जाने के बाद में यहां पे बेसिकली सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया. अब ये सेल प्लेट फर्दर मिडिल लामेला में कन्वर्ट होगा और फिर फर्दर डिवीजन हो जाएगा. तो ये सेल प्लेट पता क्या है कि फ्रॉम मिडिल से धीरे धीरे पेरिफेरी की तरफ आता है और इसी ये होता है सेल प्लेट काइंड ऑफ डिवीजन जो कि प्लांट्स के अंदर होता है. ओके, सो ये ओवर हो गया. नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोटिस. सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि क्यों इंपॉर्टेंट है. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोटिस जरूरी होता है. माइटोटिस का सबसे इंपॉर्टेंट है कि माइटोटिस का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में कोई रोल नहीं है. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन माइटोटिस के थ्रू नहीं होता. अगर एक लाइक जेनेटिकली सिमिलर अगर स्पीसीज को प्रोड्यूस करना होता है तो माइटोटिस होता है, क्योंकि माइटोटिस में क्रोमोसोमल डिवीजन होता है. ओके, क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, किसी भी तरह का कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता जो कि मियोसिस में होता है. तो जेनेटिकली सेम डिफरेंट सेम स्पीसीज पाई जाती है. ओके, जेनेटिकली सेम स्पीसीज को प्रोड्यूस करना हो, प्लीज नोट कर लीजिएगा, जेनेटिकली सेम स्पीसीज अगर आपको इनको प्रोड्यूस करनी है दैट्स अकर बाय द माइटोटिस. सेकंड अगर आप देखें तो सेकंड जेनेटिकली प्रोड्यूस के बाद में जहां पे सेल की हील करना हो, जैसे कि कभी आपको एपिडर्मिस पे आपकी चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे वो चोट भर जाती है. वो जो चोट जो भरती है वो माइटोटिस के थ्रू होता है. ठीक है, जो हीलिंग सेल इंजरी जो होती है उसकी जो हीलिंग होती है वो माइटोटिस के थ्रू होती है. इसके अलावा इसके अलावा ये दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. एंड थर्ड एक होता है एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, जैसे देखिए हम ये सिग्निफिकेंस पढ़ रहे थे, तो इस सिग्निफिकेंस में सबसे पहला टॉपिक हो गया जेनेटिकली जेनेटिकली सिमिलर जब आपकी स्पीसीज प्रोड्यूस करनी होती है. ठीक है, दूसरा हो जाता है जेनेटिकली सिमिलर होने के बाद में, जेनेटिकली सिमिलर स्पीसीज जब प्रोड्यूस करनी होती है सेल्स, या जेनेटिकली सिमिलर आप सेल्स आप लिख सकते हैं बेटर होगा. ओके, नाउ दूसरा हो गया जेनेटिकली सिमिलर होने के बाद में जो सेल हीलिंग. ओके, तीसरा हो गया आपका सेल हीलिंग के बाद में सेल को हील करना, मतलब उसकी जो इंजरी होती है उसको खत्म कर देना. नाउ तीसरा होता है एम्ब्रियोजेनेसिस. देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना एम्ब्रियोजेनेसिस होता है. बेसिकली क्या होता है कि जनरली आप देखेंगे जनरली जो हायर एनिमल्स में जो n प्लस n गैमेट्स आपस में बनते हैं तो 2n जायगोट बनता है. ठीक है, n प्लस n आपस में जायगोट बनता है. अब इस जायगोट के अंदर सेल्स का डिवीजन चलता है. ओके, यहां सेल डिवीजन चलता है, ये सेल का डिवीजन चलता है और इसके अंदर सेल का डिवीजन चलता है और ऐसे बहुत सारी सेल्स आपस में बन ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स आपस में बन जाती हैं. इसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है. ओके, फर्दर ये आपका यहां तक खत्म हो गया, यहाँ पे आपका लाइक जायगोट का फॉर्मेशन हो गया. ओके, यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया. जायगोट के फॉर्मेशन के बाद में अब आपका सिर्फ माइटोटिस डिवीजन चलता है. ओके, इसमें सेल डिवीजन होता है, अब डिफरेंट सेल्स बनेंगी तो भी डिफरेंट सेल्स बनेंगी, जब भी तो भी टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज बनेंगे तो ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे तो बॉडी बनेगी. तो इसके बाद में नई सेल्स बनती है, फिर बाद में ये जो एम्ब्रियो होता है ये फर्दर ब्लास्टुला गैस्टुला डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से पास होता है. तो यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस में आपका माइटोटिस चलता है. ओके, इसके अलावा
एनसीईआरटी में और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसके अलावा जैसे कि जो लोअर फंगाई होते हैं, लोअर फंगाई में मैंने पढ़ाया भी था, और एल्गी के अंदर क्या होता है कि ये जो मियोसिस, ये जो क्या होता है माइटोटिस चलता है, इनमें होता है क्या है माइटोटिस चलता है कि जब माइटोटिस चलता है कि एग्जैक्टली क्या होता है कि जब इनकी जो बॉडी होती है वो जेनेटिकली अगर बॉडी देखेंगे हैप्लॉइड होती है, इनकी जो बॉडी होती है बेटा हैप्लॉइड होती है। सो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है लोअर फंगाई और एनिमल्स, सॉरी लोअर फंगाई और एल्गी में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है ये भी होता है माइटोटिस के थ्रू। ओके, गैमेट्स का फॉर्मेशन। इसके अलावा यार के एग्जांपल से और अच्छे एग्जांपल्स में अगर आप देखेंगे कि जो लाइक इसके अलावा जो आपकी सोमेटिक सेल्स होती है उसमें जो डिप्लोइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है ये माइटोटिस के थ्रू होता है। ओके, एक एग्जांपल दिया गया सोशल इंसेक्ट में, एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि सोशल इंसेक्ट में जो डिवीजन होता है वो माइटोटिस होता है। इसका एग्जैक्टली सोशल इंसेक्ट में भी डिवीजन, सोशल इंसेक्ट में एक डिवीजन मिलता है जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ओके, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि आपका जो इसमें ओवम होता है सोशल इंसेक्ट में, ये ओवम अनफर्टिलाइज होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ओके, ये ओवम आपका बेसिकली अनफर्टिलाइज्ड होता है। ओके, फर्टिलाइजेशन किसी से फर्टिलाइजेशन नहीं करता, मतलब ये स्पर्म से रिएक्ट नहीं करता है, खुद ही कन्वर्ट हो जाता है एक एम्ब्रियो के अंदर। ओके, ये होता है आपका पार्थेनोजेनेसिस। ओके, जिसमें आपका आपका ये जो ओवम होता है ये बेसिकली ओवम खुद ही कन्वर्ट हो जाता है एक, ये आपका ओवम है। ओके, ये आपका एम्ब्रियो है, ये आपका एम्ब्रियो है, ये पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस होता है अनफर्टिलाइज्ड, ये कह सकते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग होता है पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं या सिग्निफिकेंस है जहां पे आप माइटोटिस का रोल देख सकते हैं। ओके, तो ये था बेटा आपका ये था आपका सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोटिस। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोटिस है आपका एग्जांपल, क्लियर हो गया। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोटिस में सबसे अगर आप लाइक आप कॉमनली भी सोचेंगे तो कॉमनली बेसिकली जो कॉमनली जो डिवीजन है, कॉमनली डिवीजन आपको होता है कि जब जेनेटिकली सिमिलर सेल्स को प्रोड्यूस करना होता है और जब हीलिंग करनी होती है, तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है। इसके अलावा आप देखेंगे प्लांट्स में जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होते हैं जिसमें एपिकल और एपिकल लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यूज में ये माइटोटिस डिवीजन चलता है, जिसमें जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, इसमें ग्रोथ होती है, मतलब जो वर्टिकल ग्रोथ होती है, तो उसके लिए वर्टिकल ग्रोथ के लिए बेसिकली माइटोटिस डिवीजन रिक्वायर होता है, और लेटरल ग्रोथ होती है, यहाँ पे ये होता है लेटरल लेटरल हो गया, और फिर दूसरा यहाँ पे हो गया वर्टिकल। तो मेरिस्टिक टिश्यूज में जो बेसिकली जो डिवीजन चलता है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ चलती है, जिससे कि उसमें वर्टिकल, जैसे प्लांट्स में आप देखेंगे तो वर्टिकल ग्रोथ चलती है, सो वो होता है वर्टिकल मेरिस्टिक टिश्यूज के रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ चलती है। ओके, तो यहाँ पे आपको माइटोटिस डिवीजन दिखाई देगा। तो ये हो गया आपकी वर्टिकल, मतलब उसकी उसकी लेंथ ग्रो करना, और उसकी विड्थ ग्रो करने के लेटरल मेरिस्टिक टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसकी उसकी हाइट के लिए वर्टिकल मेरिस्टिक टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोटिस। अब आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द मियोसिस। देखिए, सबसे पहली बात लिसन, मियोसिस एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कंपेयर्ड टू द माइटोटिस। नेक्स्ट पॉइंट, मियोसिस होता है जब जेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है, जबकि माइटोटिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं रहता, उतना ही रहता है बस, क्रोमोसोम उसके जो क्रोमेटिड्स होते हैं क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज का सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, इस प्रकृति को चलाने के लिए, नेचर को चलाने के लिए हमेशा कुछ नया करना होता है, और अगर सेम जेनेटिकली स्पीसीज होंगी तो उनमें कभी डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो ये जेनेटिकली स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज से मतलब डेवलपमेंट से, जितना ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज होंगी उतना ज्यादा फ्यूचर में डेवलपमेंट होगा। ओके, इज इट क्लियर। जितना ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज होंगी मतलब फ्यूचर डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, तो डेवलपमेंट के लिए मियोसिस को करना बहुत जरूरी है। मियोसिस में बेसिकली क्या होता है कि जेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज होती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। ओके, माइटोटिस कभी भी हो सकता है। ओके, जैसे आपको कभी चोट लग जाती है अनफॉर्चुनेटली तो वो माइटोटिस होता है। मियोसिस के एक ही बार होता है, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय। क्लियर हो गया। एंड
ये रिडक्शन एंड डिवीजन है एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं मियोसिस वन एंड मियोसिस टू. ओके, इसके डिफरेंट फेजेस है. मियोसिस वन में आपका जो प्रोफेस वन मेटाफेज मेटाफेज एनाफेज वन एंड टीलोफेज वन होता है. फिर उसके बाद में प्रोफेस टू मेटाफेज टू एनाफेज टू टीलोफेज टू स्टार्ट हो जाता है. तो उसका जो प्रोफेस वन होता है इट इज अ वेरी लॉन्गेस्ट प्रोसेस ऑफ मियोसिस वन क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको फेजेस दिखाई देंगे. ओके, ये प्रोफेस वन जैसे वहां पे भी कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, और यहाँ पे भी और कॉम्प्लिकेटेड होता है. इसे मानते हैं 100 टू 200 टाइम ज्यादा मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है मियोसिस वन का प्रोफेस वन. तो दैट्स इज अ टिपिकल टिपिकल पॉइंट्स. सो मियोसिस ध्यान रखना इट इज अ बेसिकली अगर जब जेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज प्रोड्यूस करनी होती है. ओके, सो मियोसिस बेसिकली मैंने बताया कि इट्स डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट टाइप्स मियोसिस वन एंड मियोसिस टू. सबसे पहले माइंड में हमेशा ये रखिए कि हम आगे पढ़ने से पहले मियोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट हमेशा जो मैंने आपको बताया ये जेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है. आप देखते हैं कि जब आज आपको नेचर में कितनी जेनेटिकली डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज दिखाई देती है, डायवर्सिटी दिखाई देती है, जो डायवर्सिटी जो मेंटेन होता है मियोसिस करता है. ओके, तो इसलिए जेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज का वर्णन बहुत जरूरी है बिकॉज जेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज डेवलपमेंट को शो करती है. नई स्पीसीज होगी, नए रिक्वायरमेंट्स होंगी, नए तरीके से डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट ही लाइक जो चेंज होगा और ये जो कह सकते हैं चेंज आएगा यही डेवलपमेंट का एक नेक्स्ट आयाम है. तो हमेशा चेंज लाना बहुत जरूरी है बिकॉज अगर आपकी प्रोसेस में चेंज नहीं आता है सो इट मीन्स यू आर स्टॉप. सो डोंट स्टॉप टू योरसेल्फ. ओके, जो चेंज लाइए हमेशा अगर अपनी स्टडी के प्रोसेस में भी चेंज लाइए बिकॉज अगर आपका स्टडी का तरीका सेम है तो इट मींस यू आर स्टॉप. ओके, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग. सो डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड एंड डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है चेंज. सो चेंज करने के लिए जेनेटिकली चेंज करने के लिए डिफरेंस लाने के लिए ये मियोसिस चलता है. अब इस मियोसिस में मैंने बताया कि आपकी दो पार्ट्स होते हैं मियोसिस में आपके. ओके, इसमें दो पार्ट होते हैं मियोसिस One and next होता है meiosis two. Clear हो गया meiosis one and meiosis two. First of all meiosis one थोड़ा सा complicated होता है compared to the meiosis two. Meiosis two तो basically it's same as mitosis. आपका जो meiosis two होता है it is the same as a mitosis. मियोसिस वन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज इसी की वजह से जेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज आती है तो थोड़ा सा समय लगता है इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं बेटा मियोसिस वन से आते हैं, क्रॉसिंग ओवर बनना. ओके, इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर कायस्मेटा का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं. तो मियोसिस वन को टिपिकल है, इसको वैसे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बिकॉज ये अकेला खुद बहुत सारे लेक्चर ले सकते हैं. तो सबसे पहले मियोसिस सेम एज अ माइटोटिस और मियोसिस वन के अंदर लाइक आपका अगेन वही स्टेप आता है प्रोफेस वन. ओके, प्रोफेस वन फिर मेटाफेज वन. ओके, एनाफेज वन. ओके, फिर टीलोफेज वन. तो ये डिफरेंट स्टेप्स आते हैं हियर मियोसिस टू में प्रोफेस टू मेटाफेज टू एनाफेज टू टीलोफेज टू आपको दिखाई देता है. क्लियर हो गया. सो नाउ लिसन, हमेशा जो डीएनए का जो डुप्लीकेशन होता है जैसे आप देखते हैं कि देखिए ऐसा नहीं कि इंटरफेज होता है, यहाँ तक इंटरफेज इसमें भी होता है. ओके, इंटरफेज इसमें भी होता है मतलब मियोसिस वन स्टार्ट होने से पहले इंटरफेज इसमें भी होता है. ओके, इंटरफेज में आपका जो डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है और डीएनए का डुप्लीकेशन एक बार होता है और क्रोमोसोम का डिविजन दो बार होता है. तो इसमें आपके जो क्रोमोसोम होते हैं ये जो क्रोमोसोम जैसे कि अगर आप नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है आपके मियोसिस वन और मियोसिस टू से कि ओके इससे आपकी दो एंड्स बन जाते हैं. फिर इन एंड में आपका एंड टू एंड फोर बनता है. सो दिस इज दैट इज कॉल्ड ओके दैट इज कॉल्ड द मियोसिस वन एंड दैट इज कॉल्ड द मियोसिस टू. ओके, सो देखिए यहां पे टू एन से एन बना तो ये कैरियोकाइनेसिस हुआ और डीएनए का मतलब इसमें क्रोमोसोम का डिवीजन हो गया. बट यहाँ क्रोमोसोम का डिवीजन एज इट इज रहता है, क्रोमोसोम का डिवीजन तो होता है नंबर सेम रहता है. तो ये चार डिफरेंट आपके सेल्स बनती है. तो मतलब मियोसिस में आपके एक
टू एंड से आपके डिप्लोइड से चार हैप्लोइड सेल्स बनती है. ओके सो ये हो गया म्यूसिस वन और ये बनती है म्यूसिस वन से, ये म्यूसिस टू से बनता है. ओके एंड डीएनए का जो डुप्लीकेशन होता है वो डीएनए का डुप्लीकेशन केवल म्यूसिस वन में ही होता है. डीएनए का जो डुप्लीकेशन है वो केवल इसी में ही होता है. डीएनए का डुप्लीकेशन म्यूसिस वन से पहले जो इंटरफेज आता है तो वहां पे उसमें ही रहता है. ओके एस फेज में हो जाता है. होता है क्या, म्यूसिस वन में क्रोमोसोम तो हाफ रह जाते हैं बट डीएनए डबल रह जाता है. तो डीएनए डबल रह जाने की वजह से होता क्या है कि जब डीएनए डबल रह गया तो डीएनए डबल रहने से भैया डीएनए अब एंड की फॉर एन एग्जांपल ये जो एन सेल्स है, ये जो एन सेल्स थी तो क्रोमोसोम का नंबर तो हाफ रह गया बट डीएनए आपका डबल हो गया. डीएनए डबल रह गया और यहाँ पे आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ रह गए. तो डीएनए का अमाउंट जैसे ही डबल हुआ तो भैया डीएनए कभी डबल रह नहीं सकता, इसको नॉर्मलाइज्ड होना पड़ता है. तो इसको फर्दर म्यूसिस टू से पास होना पड़ता है. तो देखिए जब आपका म्यूसिस वन होता है तो डीएनए क्रोमोसोम तो हाफ रह जाते हैं, डीएनए डबल हो जाता है और डीएनए डबल को नॉर्मलाइज्ड होने के लिए फिर फर्दर नॉर्मलाइज होने के लिए म्यूसिस टू को कंडक्ट होना ही पड़ता है जिससे कि अब आपका डीएनए इक्वल इक्वल डिवाइडेड हो जाता है. सो दैट इज कॉल्ड द मियोसिस, दैट इज कॉल्ड द मियोसिस जो कि बेसिकली आपके सेल्स के अंदर चलता है. ओके नाउ अब सबसे पहले कि मियोसिस कितने टाइप का होता है और कहां कहां चलता है. मियोसिस बेसिकली हमें आपको पहले भी बताया था शायद थोड़ा बहुत, मियोसिस ये भी डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है. तो सबसे पहले आप देखेंगे तो मियोसिस तीन स्टेप्स के अंदर होता है. एक होता है आपका लोअर फंजाई के अंदर, एक होता है लोअर मियोसिस, दूसरा होता है इंटरमीडिएट लेवल ऑफ मियोसिस, तीसरा होता है हायर लेवल ऑफ मियोसिस. सबसे पहले लोअर लेवल ऑफ मियोसिस की बात करें, लोअर लेवल ऑफ मियोसिस की बात करें तो लोअर लेवल ऑफ मियोसिस ये होता है आपके लोअर लेवल ऑफ फंजाई एंड एल्गी के अंदर. मैंने आपको शायद बताया होगा, बताया था शायद नहीं कर, सॉरी आई एम कंफर्म कि मैंने आपको बताया था कि जो फंजाई के अंदर जो डिवीजन चलता है बेसिकली माइटोटिस, सॉरी आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है. कभी कभी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलाना होता है तो उसमें तीन स्टेजेस होती है, प्लाज्मोगेमी देन कैरियोगेमी. कैरियोगेमी के बाद में कैरियोगेमी होता है. कैरियोगेमी में क्या हो जाता है कि आपका n+1 n+n स्ट्रक्चर बनता है और n प्लस n स्ट्रक्चर में फर्दर आपका मियोसिस होता है जिससे कि हैप्लोइड स्पोर बनते हैं. शायद याद हो, ध्यान रखना ये होता है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल फंजाई और आपका होता है एल्गी में, ठीक है, जिसमें तीन स्टेप्स होते हैं आपके प्लाज्मोगेमी मतलब साइटोप्लाज्म एडिशन, फिर आपका कैरियोगेमी n प्लस n एडिशन, फिर होता है आपका मियोसिस. तो आपका जो मियोसिस होता है तो मियोसिस में होता है क्या है कि जब आपका देखिए n प्लस n बन गया तो ये हो गया सबसे पहले साइटोगेमी मतलब प्लाज्मोगेमी, तो मतलब प्लाज्मा फ्यूज हो गया. फॉर एन एग्जांपल ये दो सेल थे एग्जांपल के लिए, वैसे मैंने पूरा समझाया था आपको याद हो. देखिए इसलिए बायोलॉजी कनेक्ट है आपस में, बायोलॉजी मैंने पहले बोला था बायोलॉजी इतना कनेक्ट करके पढ़ेंगे उतना समझ में आता है. ओके तो ये देखिए एन प्लस एन बन गया. अब फर्दर एन प्लस एन के अंदर ये एन प्लस एन स्ट्रक्चर बन गया, एन प्लस एन के अंदर अब इसमें आपका मियोसिस चलेगा, आपका फर्दर इसमें मियोसिस चलेगा. अब इस मियोसिस में एन प्लस एन में मियोसिस चलेगा और मियोसिस में अब ये मियोसिस के थ्रू इसमें होगा ये हैप्लोइड स्पोर बनाएगा. क्लियर हो गया. अब फर्दर ये हैप्लोइड स्पोर पूरी फंगाई के अंदर डेवलप हो जाते हैं. ओके ये पूरे ही आपके हैप्लोइड स्पोर फंगाई के अंदर डेवलप हो जाते हैं. तो इसे बोलते हैं लोअर लेवल ऑफ द फंगस. ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म साइटोगेमी, ये हो गया कैरियोगेमी और ये हो गया मियोसिस. यहाँ पे मियोसिस हो गया और यहाँ पे हैप्लोइड स्पोर बने जो फर्दर फंगाई के अंदर डेवलप हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट होता है इंटरमीडिएट लेवल ऑफ द मियोसिस. इंटरमीडिएट लेवल इंटरमीडिएट लेवल मियोसिस जो चलता है प्लांट्स में. ओके जो चलता है प्लांट्स में. प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे प्लांट्स में चलता है, प्लांट्स में होता है क्या बेसिकली आपके जैसे कि दो मदर सेल्स होती है, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल ओके और दूसरा होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल.
ओके सो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो आपकी बेसिकली 2N होती है, क्लियर हो गया। एंड फर्दर अब होता क्या है कि ये जो 2N होती है तो इसके अंदर सबसे पहले आपका मियोसिस चलता है, ठीक है। ये देखिए इनके अंदर आपका मियोसिस चलेगा, आपका ये देखो ये मियोसिस चलेगा और इससे N आपके स्पोर बनेंगे, आपके N स्पोर बनेंगे। और सबसे पहली बात अब आपकी जो मेगा स्पोर मदर सेल्स होती है इसमें जो स्पोर बनते हैं ये बनते हैं आपके फीमेल स्पोर और इसमें बनते हैं आपके मेल स्पोर, क्लियर। अब आपके जो फीमेल स्पोर होते हैं फर्दर, ये आपके जो फीमेल स्पोर होते हैं ये फीमेल स्पोर फर्दर माइटोटिस से पास होते हैं, ओके, और माइटोटिस से पास होते हैं और गैमेट्स बनाते हैं। तो ये बन जाता है फीमेल गैमेट, ओके, और ये बन जाता है मेल गैमेट, ओके। तो यहाँ माइटोटिस डिवीजन चलता है। मैंने बताया था ना कि प्लांट्स के अंदर जो गैमेट्स के अंदर देखिए यहाँ पे मियोसिस भी हो रहा है, ये मियोसिस भी हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइटोटिस मैंने बताया था ना गैमेट्स बनाने के लिए मियोसिस चलता है। सो दैट इज द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ द मियोसिस, ओके, जो कि हायर प्लांट्स में चलता है। व्हाइल इन केस ऑफ द आ हमारी बॉडी में सबसे हायर लेवल का चलता है, ओके, क्योंकि हम हायर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है तो हायर लेवल का हमारी बॉडी में चलता है। तो इसमें होता क्या है, हायर लेवल में बेसिकली क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, जर्म सेल्स जो होती है हमारी बॉडी में, जो जर्म सेल्स हैं, जो आपकी जर्म सेल्स होती है, जर्म सेल्स मतलब आपके कौन कौन से जर्म सेल्स होती है, आपका एक जर्म सेल्स कौन कौन सी होती है, जैसे एक होती है आपकी जो जर्म सेल्स होती है, बेसिकली जर्म सेल्स का कहने का मतलब है ऐसी सेल जो कि जो आपकी आपके लाइक मेल एंड द फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है उनको बोलते हैं आपके जर्म सेल्स, ओके। सो जैसे कि जर्म सेल्स अगर आप देखेंगे दो टाइप की होती है, एक होती है स्पर्मेटोसाइट, ओके, और दूसरी होती है ओसाइट। तो स्पर्मेटोसाइट्स और ओसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर इसमें बेसिकली क्या होता है, स्पर्मेटोसाइट्स आपके 2N होती है और ये भी आपके 2N होती है जिसमें मियोसिस चलता है और स्पर्म बनता है, ओके, इसमें मियोसिस होता है और ओवम बनता है। तो मियोसिस आपका दोनों जगह चलेगा, मियोसिस आपका दोनों जगह चलेगा, ओके, इसमें स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर स्पर्म बनेगा, ओसाइट्स के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होगा, तो दोनों जगह चलेगा। सो ओके, तो स्पर्म बनने के जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं, स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम बनने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ओजेनेसिस। सो अभी देखिए यहाँ पे मियोसिस, ये स्पर्म क्या है, ये आपकी जर्म सेल्स है, ओवम क्या है, ये जर्म सेल है, फर्दर इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जायगोट बनेगा, ओके, जो कि देखिए एन एन है तो जायगोट क्या बनेगा आपका 2N, ओके, फर्दर क्या होगा इस जायगोट में, फर्दर क्या होगा जायगोट के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपकी एक सेल होगी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपकी सेल्स बनेंगी, यहाँ पे माइटोटिस स्टार्ट हो जाएगा, ओके, ये एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। सो देखिए हर चीज आपस में कितनी वेल कनेक्टेड होती है, इसलिए बायोलॉजी टफ नहीं है, कनेक्शन करना सीख जाइए बस, ओके। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द फेजेस ऑफ द मियोसिस, जस्ट राइट नाउ आई गिव यू द इंट्रोडक्शन, डिटेल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। इन द फेजेस ऑफ द मियोसिस हम स्टार्ट करेंगे प्रोफेज वन, सो इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, ओके। सो हियर वी जस्ट ओवर आवर लेक्चर, ओके, एंड वन थिंग मोर यू, द मंत्र ऑफ बायोलॉजी इज आई कम जनरली एक क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन बैंक में आपको जैसे कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, इस सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में हम हर एक मॉड्यूल्स के, जैसे कि आपका एक मॉड्यूल है सेल यूनिट ऑफ द लाइफ, सेल साइकिल एंड डिवीजन, एंड जो नेक्स्ट है बायोमॉलिक्यूल्स, उसमें आपको 20 इयर्स की नीट एंड प्रीवियस जो एएपीएमटी होता था उसके क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ उसके रीजंस भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ओके, इवन आपके कुछ एक्सपीरियंस क्वेश्चन जो आपके जो प्रैक्टिस के लिए कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे इसके अलावा इवन उसके भी आंसर और उसके भी रीजन की यही आंसर क्यों है, क्योंकि लेकिन जब आप रीजंस को फॉलो करेंगे तो पहले रीजंस को बाद में देखिएगा, पहले आंसर को टिक कीजिएगा, ओके। हम इन शॉर्ट इन लाइक विद इन अ मंथ वी आर गोइंग टू रिलीज दैट टेस्ट दैट क्वेश्चन बुकलेट, ओके, इट्स केवल ये 100 रुपीज में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल इसमें आपको हर एक टॉपिक 20 इयर्स के पुराने पेपर्स, ओके, इवन 20 इयर्स के अलावा हर एक टॉपिक से लेकर 20 इयर्स के पुराने क्वेश्चन विद द आंसर एंड विद देयर एक्सप्लेनेशन, ओके,
सो उसमें आपके उसमें अराउंड आपके होंगे इट्स मोर देन 200 or 300 क्वेश्चंस होंगे अलोंग विद देयर एक्सप्लेनेशन और आंसर. और इसके अलावा उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि 2021 में और 2020 में आने के जिसके चांसेस हैं. ऐसे क्वेश्चंस को हम सेग्रीगेट करके आपको हम प्रोवाइड कराएंगे. तो विद इन नेक्स्ट मंथ के मंत्रा बायोलॉजी रिलीज कर देगा अपनी क्वेश्चन बैंक. ओके हम उसका आपको लिंक दे देंगे. ओके वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे इन केस एनी पर्सन जो ऐसा पर्सन जो सीरियसली अगर आप एनेबल हैं 100 rupees पे करने के लिए भी तो हम आपको फ्री में सॉफ्ट कॉपी दे देंगे. क्योंकि मैंने पहले ही बोला था मंत्रा बायोलॉजी नेवर फॉलो दिस मनी लाइन प्रोसेस. ओके इफ यू आर नॉट एबल टू पे देन अगेन स्टिल वी आर विद यू. ओके डोंट वरी. तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में. धन्यवाद.